हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस व्लॉग्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर, वो भी सिर्फ चार डायोड का यूज़ करके। और ये एक डायोड बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है ब्रिज रेक्टिफायर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को बिना स्किप करे देखना ताकि आपको ये अच्छे से बनाना आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें ये वाले डायोड चाहिए होंगे, IN4007 डायोड। तो हमें ये चार डायोड चाहिए होंगे, हम इन चारों को निकाल लेते हैं। सो गाइस, अब हमें इनमें से दो डायोड लेनी है, और इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें गाइस एक सिल्वर कलर की साइड है और एक ब्लैक कलर की साइड है। तो इसमें से जो सिल्वर वाले हैं, इसमें जो सिल्वर वाली साइड है ये पॉजिटिव साइड है, और जो ब्लैक वाली साइड है ये नेगेटिव साइड है। तो हम ऐसे ही दो डायोड लेंगे और इनकी पॉजिटिव वाली साइड सिल्वर वाली साइड को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। आप इन्हें सोल्डर भी कर सकते हो, मैं इन्हें ऐसे ही ज्वाइन कर रहा हूँ इन्हें ट्विस्ट करके। ये दोनों मैंने इन्हें ऐसे कर दिए इन दोनों को। अब इसे हम साइड में रख देंगे और बाकी के दोनों लेंगे। इसमें गाइज अब हम नेगेटिव वाली साइड को ज्वाइन करेंगे, मतलब ब्लैक वाली साइड को। तो इन्हें भी कर देते हैं ज्वाइन हम एक साथ। और अब आप देखेंगे गाइज कि एक तरफ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल बन गया। तो अब हम चारों डायोड को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे भी सेम ही रहेगा और ऐसे भी सेम ही रहेगा। तो हम इसे जैसे मर्जी ज्वाइन कर सकते हैं, इन्हें भी हम ज्वाइन कर देंगे। सो गाइज, अब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर रेडी है। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी साइड एसी से और कौन सी साइड डीसी से कनेक्ट होएगी। तो इसमें गाइज जो आप सिल्वर वाली साइड देख रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ सिल्वर है, ये हमारी पॉजिटिव साइड हो गई। और जो इसके सामने है, जिसमें दोनों ब्लैक कलर के हैं, ये हमारी नेगेटिव साइड हो गई। और ये जो बाकी के हैं लेफ्ट और राइट वाले, ये हमारी एसी करंट है। एसी में गाइस कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसमें कोई सी भी वायर लगा सकते हैं। तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर रेडी है। तो चलिए अब हम इस पर वायर को कनेक्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। अब हम एसी करंट के टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। इसे मैं पर्पल और वाइट कलर की वायर से कर रहा हूँ। तो गाइस, हमारी पर्पल वायर कनेक्ट हो गई। अब हम वाइट कलर की वायर को कनेक्ट करते हैं। सो गाइज, अब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारी वायर को कनेक्ट कर दिया। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका बता दूंगा। और गाइज, आप एक बार इसकी ओवरऑल लुक देख सकते हो। गाइज, अब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर रेडी हो चुका है। तो अब हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। ये मैं 12012 3 एम्प का यूज़ कर रहा हूँ, और ये मुझे 50 रुपीज़ से मिल रहा है लोकल ऑफलाइन मार्केट से। तो ये दोनों जो रेड वाली वायर हैं, ये एसी करंट से कनेक्ट होंगी, और जो ये बाकी की हम दो यूज़ करेंगे, होती इनमें तीन है लेकिन हम दो ही यूज़ करेंगे, ये हमारे रेक्टिफायर से कनेक्ट होंगी। तो हम एक
ब्लैक वाली जो कि 12 वोल्ट की है। हम इसे एसी वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे। एसी वाली पर्पल और वाइट है और डीसी वाली रेड और ब्लैक है। तो हम इन्हें कोई सी भी ब्लैक वाली कोई सी भी इन दोनों से कर सकते हैं क्योंकि एसी करंट है इसमें, प्लस माइनस नहीं होता। इसे कनेक्ट कर देते हैं हम ऐसे, और अब वाइट वाली को कर देते हैं येलो से जो कि ग्राउंड है। और गाइज अब ब्रिज रेक्टिफायर को डायरेक्टली स्विच बोर्ड में मत लगा देना, नहीं तो ये फट भी सकता है बहुत तेज और आपको हर्ट भी हो सकता है। और जो ये बाकी की प्लस माइनस वाली हैं ये हम मोटर से कनेक्ट कर देंगे। देखिए गाइज अब सारे कनेक्शन हो गए हैं, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। और जो ये वाली और ये जो दोनों रेड वाली हैं इसे हम 220 वोल्ट देंगे डायरेक्ट से, हम स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। और गाइज आपको यहाँ पे 12 वोल्ट की मोटर का यूज़ करना है। गाइज मैं स्विच बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ इसे पावर देने के लिए। तो अब हम ये वाली दोनों रेड वाली वायर को इधर लगा देंगे। और गाइज आप ये किसी, अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक की तो आप इसे मत बनाइएगा, नहीं तो आप किसी बड़े की सुपरविज़न के अंदर बनाना। और ये रही हमारी मोटर, तो अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं। मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी मोटर घूम रही है। देखिए गाइस ये मोटर चल रही है हमारी। और अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा तो मैं इस पर टेप चिपका के आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने के लिए इस पर टेप लगा देता हूँ। गाइस मैंने टेप लगा दी, अब मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस हमारी मोटर बड़ी अच्छे से घूम रही है ट्रांसफॉर्मर से।